तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड एज भोर मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन आटम। ठीक है, भोर ने जो अपना मॉडल दिया था दैट इज़ कॉल्ड एज भोर मॉडल, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ इन, ठीक है। उनकी एनर्जी और रेडियस फिक्स्ड होता है, ठीक है। जिन पाथ में करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ, ठीक है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट्स जब उसको एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के बारे में दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ लें थोड़ा बहुत। एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई जो होता है आपका दैट इज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी जो ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब और एमिटेड, उसका फॉर्मूला हो गया ई इज इक्वल टू एच वी, ठीक है। एक और फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, भी पता है ना आपको, ये भी याद रखो कभी कभार काम आ जाता है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, एन एच एन पॉइंट टू पाई, एन जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज एनर्जी का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन ये जो होता है वो दैट कम्स डायरेक्टली, एनर्जी की जो होती है दैट इज इक्वल टू माइनस आर एच राइडबर्ग का सेम डिवाइडेड बाई वन अपॉन एन स्केयर, यानी कि एन वन स्केयर माइनस एन टू स्केयर। आपको दिया होगा कि जंप मारा है हमारी वन से सेकेंड पे। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला इंपॉर्टेंट दैट इज बोर रेडियस। बोर रेडियस का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू एन स्केयर ए नॉट। ए नॉट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज बोर ऑर्बिट। इसकी वैल्यू होती है 552.9 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये आपका बोर रेडियस, तो बोर का रेडियस का फॉर्मूला है। और इसका क्वेश्चन डायरेक्ट कंपैरिजन में आता है, बोलेंगे कि एक पार्टिकल है, एक हमारा जो है रेडियस है किसी एटम का इतना है, दूसरे का बताओ कितना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सीधे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाना है ना, तो आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज हमारा वो भी दिया नहीं है, रुको रुको रुको। आर एच जो है राइडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू इन्होंने जो दी हुई है 2.182×10^-18, इसको याद करो, या फिर एनर्जी को फॉर्मूला जो है 13.12 डिवाइडेड बाई एन स्केयर इंटू जेड। जो हमारा रेडियस है उसका फॉर्मूला तो एन स्केयर ए नॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी में हमें इसी से मल्टीप्लाई करना होता है डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई जेड। ये डायरेक्ट फार्मूला दिए हुए हैं, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं आप जाउल में, अगर एक और फार्मूला है 13.12 वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा। एनर्जी का क्या है, -2.18×10^-18 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई जेड स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर। रेडियस में क्या होता है, एन स्केयर डिवाइडेड बाई जेड। तो जो ये बोर का जो थ्योरी है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली सिंगल प्रोटॉन लाइक स्पीशीज, फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, यानी कि जिसमें एच पॉजिटिव जैसे आपके आटम होंगे, हाइड्रोजन के जैसे आटम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हीलियम पॉजिटिव, लिथियम टू पॉजिटिव, अब नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ठीक है। वो तो आप एक्सप्लेन करने के लिए इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रा होता है उसमें एनर्जी की
फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट इनटू वन अपॉन एन वन माइनस वन बाई एन टू। तो एन की वैल्यूज पुट करेंगे आपका तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसमें जो बोर का जो लाइन स्पेक्ट्रम निकालते हैं उसमें एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू आर एच वन अपॉन एन फाइनल माइनस वन अपॉन एन इनिशियल उनका स्केयर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन फाइव स्टेट टू द एन टू स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आटम। देखो ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, फाइनल जो है हमारा फाइव है, दैट इज़ वन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस वन अपॉन फोर, हमने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, टू इंटू अठारह इंटू करके ये आ जाएगा एनर्जी, डेल्टा ई का फार्मूला ई इज इक्वल टू एच लैम एच म्यू, तो वहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की हमको एनर्जी निकालनी है, ई इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम, ई इज इक्वल टू वही दो पॉइंट अठारह जेड स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर, जेड स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर, फर्स्ट ऑर्बिट है एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, जेड की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। बोर की भी कुछ जो है ड्रॉबैक्स हैं, सबसे मेन जो ड्रॉबैक है दैट इज ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाइन स्प्लिट होती हैं उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो जैसे टोनी स्टार्क था, टोनी स्टार्क जितना कुछ करता था सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के दम पर करता था ना। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, इसमें आता है हमारा दो चीज़ें पढ़नी है हमने, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये दोनों सिंपल सिंपल हैं। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर जो है दैट वॉज गिवन बाई डी ब्रॉगली, उसका सिंपल फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी जो होता है दैट इज लीनियर मोमेंटम, पी का फॉर्मूला होता है एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, डायरेक्ट पुट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से निकल जाएंगे, इसमें कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बोलता है कि आप एक टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और स्पीड नहीं निकाल सकते, पोजीशन और स्पीड नहीं निकाल सकते, यानी कि इसका फार्मूला होता है डेल्टा एक्स, यार मेरा डेल्टा भी दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी लिखो इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, यहाँ पर ना ग्रेटर देन होता है हमेशा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब एक्स जो होगी पोजीशन है, पी का फार्मूला क्या है, एम इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी एक डालेंगे तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा आपका, अगर ग्रेटर देन आ जाए तो आपका तो अनसर्टेनिटी निकालनी होती है हमारे को। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर सिग्निफिकेंस जो होता है उसका क्या होता है, वो ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हैं इसके, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम जो था ना वो सिर्फ एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन के लिए था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था। देखो बोर क्या बोलता था कि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिटल में। ठीक है, जो वेव करेक्टर था वो कंसीडर ही नहीं किया था इसने। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर आप किसी भी ऑर्बिट को क्लियरली मतलब कि जो हमारा ऑर्बिट होता है दैट इज़ ए क्लियरली डिफाइंड पाथ, और उसको हम डिफाइन तब करते हैं जब उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी हम बता सकें, उसके इलेक्ट्रॉन की मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी और पोजीशन बता पाएँ सेम टाइम पर, तो तब वो एक क्लियरली डिफाइंड पाथ है। अगर आपको बोल दूँ मैं पता ही नहीं है अब जा रहे हैं
कि आपको जाना है दिल्ली, पता ही नहीं है, तो वो थोड़ी ही होता है। सही, पहुंचना दिल्ली है, पहुंच गए अमेरिका। दिस इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और बोर मॉडल जो है दैट रूल्स आउट द हाइजनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसीलिए जो बोर का मॉडल जो है फेल हो गया था। नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बता देता हूँ मैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो गुरु है हमारा श्रोडिंजर है। ठीक है, श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन थी जिसको बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन को रट लें, मेरे को लगता है क्या पता वो चार क्वेश्चन नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दैट ई साई इज इक्वल टू एच साई, एच साई एच, इसको बोलते हैं हम साई इज इक्वल टू ई साई। हैमिल्टोनियन होता है ये, और ये एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसकी एक डायरेक्ट इक्वेशन भी है, अगर यहाँ पर दी होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन है डी साइज स्केयर डिवाइडेड बाई डी साइज डी स्केयर एक्स प्लस डी साइज स्केयर डिवाइडेड बाई डी वाई, डी स्केयर वाई प्लस डी साइज स्केयर डिवाइडेड बाई डी स्केयर जेड प्लस एट पाई स्केयर एम डिवाइडेड बाई एच ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी इक्वेशन बनती है। ठीक है, इस इक्वेशन को रट लें तो आ जाएगा सीधे आंसर। या फिर एक और होता है डेल्टा एल लपेसिन, वो रहने दीजिए आप, इतना कॉम्प्लेक्स किस लिए जाना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंस जो होती है ना श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमारी मेन चीज़ें जो निकली थी दैट वाज क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर जो है दैट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उसका रिजल्ट्स जो है वो है। नेक्स्ट इज क्वांटम ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो होते हैं देखो, सबसे पहला आ गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। एन क्या बताता है, हमारा पीरियड बताता है। ठीक है, और शेल बताएगा कौन सा, के एल एम एम एन है। ठीक है, नेक्स्ट इज अजीमिथल क्वांटम नंबर। अजीमिथल क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं सब्सिडरी या फिर एंगुलर मोमेंटम। और ये होता है एल, एल की वैल्यू जो होती है एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी कि एल अगर ज़ीरो हो गया सब शेल बताएगा, एल इज इक्वल टू ज़ीरो एस हो गया, एल इज इक्वल टू वन हो गया पी, एल इज इक्वल टू टू हो गया डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा मैग्नेटिक आता है। मैग्नेटिक जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एल, यानी कि एल की प्लस माइनस वैल्यू। जैसे एल टू है तो दैट इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन ज़ीरो माइनस प्लस वन हो गया टू, यानी कि ये बताता है हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। जैसे कि मैंने बोला एल इज इक्वल टू टू, एल टू क्या हो गया दैट इज इक्वल टू डी, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ही होते हैं ना, ये बताता है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, या मॉलिक्यूल नहीं एटम दिया हो, और पूछा जाए क्वांटम नंबर ये है बताओ इसकी पोजीशन वगैरह, तो वो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, अगर क्वेश्चन दिया हो ना उसमें अगर स्पिन एक माइनस वन बाई टू दियो और प्लस वन बाई टू दियो, तो हमेशा प्लस वन बाई टू वाली लेना। ठीक है, क्योंकि पहले प्लस वन बाई टू होता है फिर माइनस वन बाई टू होता है। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बोलते हैं हम, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, फिर उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपको जब पी ब्लॉक कराऊंगा उसके साथ साथ करा दूंगा, तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो भी हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़।
root n into n plus 1। बोर मैग्नेटॉन लिख लेना, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होती है। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंगली पुट कर देना, आप ऑर्बिटल बता सकते हो। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो होती है ये भी हमारे श्रोडिंजर से ही ड्राइव होती है, ठीक है श्रोडिंजर। तो ये देख लो आप, इसमें आपको बताऊंगा मैं नोडल प्लेन क्या होते हैं और नोड्स वगैरह उनके बारे में बताऊंगा। देखो नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। नोडल प्लेन का फार्मूला जो होता है दैट इज एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल 2s है, 2s में कितने नोडल प्लेन होंगे, 2 माइनस वन वन, 1s में कितने होंगे, ज़ीरो। ठीक है, नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ज़ीरो। देख लो डायग्राम जो बनाई हुई है इन्होंने, सबसे पहले देखो बी जो है फॉर 1s एंड 2s, ये 1s है और 2s है। देखा मैंने बोला n माइनस वन लगाओ, यहाँ पर n जो यहाँ पे नोडल प्लेन ज़ीरो आते हैं, दैट इज़ बाई यहाँ पर ये देखो पीक्स बनी बनी। जब नोडल प्लेन आता है ना तब ऐसे बनता है ग्राफ, ऐसे ऊपर उठेगा वापस नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी फिर वापस उठेगा वापस नीचे आएगा, ये होता है नोडल प्लेन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है दैट इज रिड्यूस टू ज़ीरो, इट इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। अब आती है हमारी बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स, इनके बारे में इतना कुछ खास अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो दिया हुआ है हमें यहाँ पर शेप्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, इनके बारे में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से कराऊंगा, वैसे भी यहाँ पर अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ आएगी नहीं, ठीक है। ये सब कुछ बताऊंगा, डी के कितने शेप में ये वो। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी जो होती है एक सेम शेल की सेम होती है, एक सेल की सेम होती है, यानी कि फोर्थ सेल है फोर्थ के सबकी सेम होगी, ठीक है। तो फिलिंग जो होती है वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट एनर्जी सब शेल्स। उसके बाद कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे व्हाट इज डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है ये पर बता देता हूँ मैं आपको। डी जनरेट वो ऑर्बिटल होता है जिसके सब जो हमारे ऑर्बिटल्स की वैल्यू जो होती है सेम होती है, एनर्जी सेम होती है, उसको बोलते हैं हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, सबसे स्टेबल स्टेट होती है, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। यहीं कुछ दिया है यहाँ पर। उसके बाद शील्डिंग है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। शील्डिंग देखो आप सर्दियों में क्या करते हो, पहले एक शर्ट पहनी, उसके अंदर इनर पहना, ठीक है। इनर के बाहर क्या पहना, स्वेटर पहनी, स्वेटर के बाहर क्या पहनती हो, जैकेट, ठीक है। तो ठंड क्या बाहर से अंदर आती है आपके, मतलब कि आपको ठंड लगती है उस टाइम, नहीं लगती ना, क्या कर देते हैं आपके जो स्वेटर्स वगैरह हैं वो शील्ड कर देते हैं। तो सेम केस होता है शील्डिंग का इलेक्ट्रॉन्स में भी। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो शील्ड कर देते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को शील्ड कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा हमारा जो नेट पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाएगा, तो उस टाइम जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम शील्डिंग, ठीक है। ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट, इसको निकालते हैं हम स्लेटर रूल से। स्लेटर रूल भी बताऊंगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है, वो सब आएंगे टॉपिक आगे। नेक्स्ट इज फिलिंग। फिलिंग जो होती है हमारे ऑर्बिटल्स में वो होती है दो, एक तरीका पहला हाफ बाउ प्रिंसिपल, यानी कि सबसे जिसकी सबसे कम एनर्जी वो सबसे पहले फिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल आता है ये सीक्वेंस याद कर लो ना, ये सिंपल सी है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देख लो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, यानी कि यार हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डिफाइंड होते हैं, मतलब कि आप फालतू में कहीं किसी को इलेक्ट्रॉन ऐसे दे नहीं सकते, मतलब किसी को भी दे दो और बोल दो कि ये इसका क्वांटम नंबर है ये वो, ऐसा नहीं हो सकता, क्वांटम नंबर फिक्स होते हैं,
मैक्सिमम नंबर जो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी शेल में जब डालते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर। हुंड रूल बोलता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आए। पेयरिंग का मीनिंग क्या हो गया, मतलब कि पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप पी को फिल कर रहे हो, पी को फिल कर रहे हो, ठीक है, पी ए पी हो गया आपका, एक तीन है इसमें, पहला इसमें एक होगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, अब चौथा इधर नहीं जाएगा, चौथा जो है वो यहाँ पर जाएगा, पांचवा जाएगा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, ऐसे सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो तकरीबन बच्चों को आती है, इसके बारे में क्या बोलूँ ज़्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कम्प्लेक्सेस, देखो कुछ कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ ड्यू टू, देखो अगर कोई चीज़, देखो एक दो तीन, इसके पास है एक दो, इसके पास है एक दो तीन, देखो ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये कम स्टेबल होता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, लेकिन ये तीन है इसके तो दैट बिकम स्टेबल। इसके वजह से हमारा नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसमें थोड़ा बहुत अनोमलस बिहेवियर होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, आयोनाइजेशन एनर्जीज में, बाकी सब एनर्जीज में, वो भी बताऊंगा मैं आपको बाद में, नेक्स्ट चैप्टर में वही आ रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो हैं इनकी, ठीक है, तो ये है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस अगर लगा लेंगे एनसीईआरटी के तो आपका काम हो जाएगा, और नीट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू THQ, ठीक है। तो भाई लोग अगर थोड़ा बहुत आपको अगर समझ आ रहा है तो रिस्पांस दीजिए मुझे मैसेजेस में, ठीक है, शुक्रिया।